सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने डांस वाले चैनल के बारे में, जो कि है विशाल डांस बाय विशाल, जिसका नाम पहले था वर्सेटाइल मॉडर्न डांस एकेडमी, जिससे आप VMDA से जानते थे। तो उसका नाम चेंज करके मैंने डांस बाय विशाल कर दिया था अभी रिसेंटली। तो मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया था गाइस, और जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स की वजह से, क्योंकि सॉन्ग से कॉपीराइट्स वगैरह आते थे और कोई भी पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उस चैनल से मेरे को, और 25,000 सब्सक्राइबर्स भी हमने पूरे कर लिए थे। तो मैंने काम छोड़ दिया था, फिर धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स नीचे गिरने लग गए थे। तो फिर एक दिन सोचा कि चलो दूसरा एक चैनल बनाते हैं जिसमें हम व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। तो मैंने बनाया था माई लाइफ माई रूल्स RS 200 का एक चैनल, जो कि मैं बाइक राइड्स करता था, उस पर व्लॉग्स बनाता था। तो आफ्टर 1 ईयर के बाद वो भी मोनेटाइज हो गया था और उस पर पेमेंट भी रिफ्लेक्ट होने लग गई थी। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को यही रनिंग करना चाहिए। बट अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले मुझे लगा, नहीं यार, दोनों चैनल्स पे काम करते हैं, एक से हमें फेम तो मिलेगा ही मिलेगा और दूसरे से हमें अमाउंट मिलेगा। तो अब पता नहीं कैसे हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं इस चीज़ का, बट जो मेरा डांस बाय विशाल का चैनल है उस पर पेमेंट रिफ्लेक्ट हुई है। वो भी मतलब मैंने ऐसे ही सोचा कि आज वो उस पर एडसेंस पे चेक करते हैं यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मेरे को पेमेंट आने वाली है 21 तारीख को, क्योंकि मैंने उसका जो वो था एल्गोरिथम वो पूरा कर दिया है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ अपने एडसेंस में जाके। तो गाइज, आखिर मेरी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, जो कि $102 हो चुकी है। तो भाई मतलब पता नहीं मेरे को क्या, मतलब मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए आफ्टर सो मैनी ईयर्स। मतलब पता नहीं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई ये मेरे, वो भी पता है मेरे उस वाले चैनल से आ रही है जिस पे कॉपीराइट्स की भरमार रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये वो चैनल है जो कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, जिसपे अभी 25,300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज है। बट द थिंग इज कि इसमें कॉपीराइट्स की भरमार है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3.6 मिलियन पहले भी पेमेंट आई है, बट मैंने काम बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। फिर अब मैंने सोचा नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है विशाल ट्रैवलर व्लॉग्स, तो वो भी मोनेटाइज हो चुका है। अब वो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया एक्चुअली, बट अब मैंने सोचा दोनों चैनल पे काम करने का, जिसमें कि देखो मिलियंस में भी है और 100K में भी इस पर है। और रिसेंटली 11 मंथ पहले मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसपे 22K ऑलरेडी है। तो भाई आखिरकार अपने को दोबारा बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही बार मेरे को पेमेंट आया था जो सोलो डर पे रिलीज़ हो गया था। अब आफ्टर 2 या 3 ईयर्स के बाद, लॉकडाउन से पहले आया था, अब लॉकडाउन के बाद आ रहा है। तो अब मैं रेगुलर इस पे काम करता रहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने बोला मैं वीडियोस अच्छी बनाता हूँ, तो अब मैं रेगुलरली काम करता रहूँगा। तो गाइस होपफुली, पता नहीं मैं क्या रिएक्शन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है आज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइज, आप सबके प्यार की वजह से ये सब हुआ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे विशाल ट्रैवल ब्लॉग्स वाले चैनल को भी प्यार देना, जल्दी जल्दी इस पर हो जाए और बहुत सारा पैसा कमा के और सारी ट्रिप करूँगा मैं। ठीक है गाइज़।